पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मरते हुए दम तक में अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे हाथ कांपते होंगे ना, तो कांपते हुए हाथों के साथ तुम्हारे तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों को सहलाना चाहता हूं। जब मेरी नजरें कमजोर हो जाएंगी तो उन्हीं नजरों से तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर अपने लिए प्यार ढूंढना चाहता हूं। मुझे बस तुम चाहिए मीत, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम, कुछ नहीं चाहिए और मीत। जीऊंगा मैं तुम्हारे बिना मीत, कैसे? तुम मेरी नजरों के सामने नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप को कैसे समझाऊंगा कि तुम किसी और की होगी? डा पापा जी, मीत आया? नहीं, वो तो नहीं आया। लगता है उसको वापस लाने का बस एक ही तरीका है कि अगर तुम कहो तो उसे बता देते हैं कि जो हम कर रहे थे वो सिर्फ एक ड्रामा था, नाटक था। ना पापा जी, आप ही कहते हैं ना कि मंजिल के इतना करीब आकर अपने कदम पीछे ना लेने चाहिए। थोड़ी स्वार्थी हो रही हूं मैं, लेकिन दौड़ू राम ने ना एहसास होने ही वाला है कि वो मेरे से कितना प्यार करता है, और हम अपने कदम अब पीछे ना लेंगे। यानी कि अब तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे सामने झुककर तुमसे माफी मांगे और तुमसे कहे कि सॉरी मैं हार गया, है ना? ना पापा जी, प्यार में हारना थोड़ी ना होता है। प्यार में तो हार कर भी जीतना ही होता है ना। एक दूसरे ने झुकाना ना होता, बल्कि एक दूसरे की नजरों में उठना होता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो बात उसका दिल जानता है उसका एहसास मीत ने भी हो। प्यार तो है, पर प्यार के इस रिश्ते की मजबूती ने हपना चाहती हूँ, और ये तभी दिखेगी जब वो अपने दिल से कहेगा कि वो मेरा है और मैं उसकी, और उसकी पत्नी होने के अधिकार थे यो बात मैं उसके मुंह से पूरे परिवार के सामने ऊंची आवाज में सुनना चाहती हूँ। तब जाके उसे एहसास होगा कि तुम उसके लिए कितनी बेशकीमती हो। चलो भगवान करे कल ये सारा ड्रामा, ये सब नाटक खत्म हो जब हम अपना अगला कदम उठाएं, वंस फॉर ऑल, है ना? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।